हेलो हाय गाइस, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासिमाबाद हैदराबाद। चलिए गाइस, मैथमेटिक्स समझते आ रहे। तो मैथमेटिक्स समझनी है तो पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे एंड आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम एट द टाइम समझ सके, सीख सके, कंप्लीट कर सके। ठीक है गाइस, सो हम क्लासेस में जो सीख रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, वो आज की क्लास में जो समझते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 समझेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 में है क्या, सेम वही है, डेरिवेटिव फाइंड करनी है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल कहीं या एब इनिशियो मेथड कहीं, बात एक ही है। ठीक है, लेट सपोज ये मार्कर है, मार्कर का हो या पेन का हो, चीज एक ही है, नाम दो है। ठीक, तो अब क्या है, डेरिवेटिव फाइंड करें, पर्टिकुलर एक स्टेप बताए इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं, समझते हैं, सही फाइव समझते हैं क्या है सॉल्यूशन। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड है क्या, इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करें, तो इसके हिसाब से एज वी नो एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश डैश का मतलब डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इस मेथड के हिसाब से ये मेथड कह रहा है इक्वल टू है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स फंक्शन माइनस एफ ऑफ ए फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए फंक्शन। ये एब इनिशियो मेथड कहे या फर्स्ट प्रिंसिपल रूल कहे, वो इस ये समझिए आपको फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का नाम दिया गया है फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो। अब डायरेक्ट डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक, अब ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में कौन कौन सी चीजें हैं, आया वो हमारे पास मौजूद है या नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझते हैं कि क्या गिवन है क्या नहीं है। सो हियर फॉर्मूला में f dash of a equal to limit x tends to a, limit x tends to a means x function की जो variable जो है वो x है, उसको replace किया जाएगा a, तो already a यहाँ पर ऐसे ही है। अब function f of x given है, तो लिखा है f of x function cos sec x, and second function जो हमारे पास है वो है f of a, वो equal to, अब देखिए f of a तो given नहीं है, f of x ही गिवन है, तो क्या करें, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट x वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे बाय वेरिएबल a, फंक्शन टर्म वही सेम रहेगा cos a, बस यहां पर x इसकी एंगल है और यहां पर एंगल इसकी a, क्योंकि वी हैव फंक्शन a वेरिएबल। ठीक है, आई बस समझ में वेल फाइन। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, हम देखते हैं क्या आंसर मिल रहा है। सो नाउ f डैश ऑफ a इक्वल टू है लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x की जगह पे f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू है cos sec x माइनस f ऑफ a फंक्शन की वैल्यू है cos sec a डिवाइडेड बाय x माइनस a sin a। आई बस समझ में, इस स्टेप में सिंपली जो फार्मूला है इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल का उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए ऑफ दीस गिवन फंक्शंस। ठीक है, अब क्या करें, अब क्वेश्चन देखिए है क्या, फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, वो वैल्यूज क्या है, वो वैल्यूज कौन सी है, वो वैल्यूज किस फॉर्म में। ठीक है, cos sec ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म वो भी cos sec, तो हर फार्मूला में हम समझते आ रहे हैं कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म गिवन हो, उसको सॉल्व करना हो या उसकी डेरिवेटिव करनी हो या उसको सिंप्लीफाई करना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म x
except than sine and cos. मतलब sine trigonometric term and cos trigonometric term के अलावा अगर कोई भी trigonometric term given है उसको sine and cos के form में convert करेंगे and then simplify करेंगे. आर्य पास समझ में जी जरूरी है. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सॉल्यूशन में जब प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूलाज जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो साइन ए कॉस के फॉर्म. सो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री एक्सेप्ट देन साइन ए कॉस के है, साइन ए कॉस में कन्वर्ट करेंगे एंड देन सिंपलीफाई करेंगे. ठीक है, तो जैसे देखिए यहां पर कॉसेक है, तो कॉसेक है नाम लेता के जो कॉसेक एक्स इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय साइन एक्स. ये कॉसेक एक्स साइन के फॉर्म में आ गया, रेसिप्रोकल ऑफ साइन. तो अब वैल्यू लिखेंगे एंड देन समझते हैं बाद में क्या होगा. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, वन अपॉन में साइन एक्स माइनस वन अपॉन में साइन ए, वैल्यू चेंज है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस साइन. आई वाज वंडरिंग इस सिस्टम में क्या किया, जस्ट कॉसेक को रिप्लेस किया बाय एक्स इक्विवेलेंट वैल्यू. अब ये न्यूमरेटर में दो टर्म है माइनस हो गए दोनों फ्रैक्शंस में, तो फ्रैक्शन में टर्म है माइनस हो गए तो अब क्या करेंगे, एलसीएम ले जाएंगे. क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे उन टर्म्स की. ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए उनके डिनोमिनेटर्स यूज करेंगे. अब एलसीएम लेनी है तो डिनोमिनेटर्स देखेंगे, फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर साइन, सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर भी साइन ही है, सेम है, मगर एंगल डिफरेंट है. एंगल ए या एंगल एक्स, एंगल डिफरेंट है, डिफरेंट है तो एलसीएम में दोनों को जस्ट कंबाइन करके लिखना पड़ेगा. एंगल डिफरेंट आ गई, एंगल अगर सेम होती तो फिर कंबाइन कर. अब फर्स्ट टर्म वन, वन के अपॉन में साइन एक्स है तो क्या करेंगे, जो भी एलसीएम हमारे पास मौजूद है साइन एक्स इंटू साइन ए, इसको डिवाइड करेंगे किससे, साइन एक्स से. sin x क्यों, फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर sin x, तो sin x भी कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, sin a. कैंसिल होने के बाद जो भी टर्म रहा है उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई आएगा एंड देन माइनस साइन 1, 1 के डिनोमिनेटर में sin a. सिमिलरली sin a को एलसीएम में जो भी नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, तो sin a को डिवाइड करेंगे तो sin a sin a भी अब डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, बाकी क्या रहा, sin x, sin x इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो sin x मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ब्रैकेट ओवर होल अपॉन में x माइनस a. अब देखिए एलसीएम आई, सिंपली एलसीएम ये जो हर प्रॉब्लम में समझते आ रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको एलसीएम, क्योंकि हर प्रॉब्लम में हम समझते आ रहे हैं एलसीएम नहीं जाती है, बेसिक है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, f डैश ऑफ a इक्वल टू है लिमिट x टेंड्स टू a 1 मल्टीप्लाई बाय sin a, मल्टीप्लाई 1 हो रहा है तो सेम रहेगा sin a माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय sin x, ये भी सेम रहेगा sin x होल अपॉन में sin x इनटू sin a सेम है. ठीक है, अब न्यूमरेटर में टर्म जो टर्म है वो फ्रैक्शन है, अब इससे टर्म डिवाइड हो रहा है x माइनस a, तो x माइनस a को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, इस टर्म के अपान में कुछ भी नहीं है तो मींस क्या है 1. क्यों लिखा है, इसलिए कि x माइनस a जिस टर्म से डिवाइड हो रहा है वो टर्म ऑलरेडी फ्रैक्शन में है एंड ये थर्ड टर्म डिवाइड, तो इस डिनोमिनेटर के अपान में कुछ भी नहीं है तो मींस 1 होता है बाय डिफॉल्ट, लिखने की जरूरत नहीं. अब इसीलिए शो किया है कि न्यूमरेटर ऑलरेडी फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर टर्म को फ्रैक्शन में शो करके इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस a, 1 अपॉन में x माइनस a. आई पास समझ में, ठीक है. सो अब क्या करेंगे, ये तो टर्म लिखा जस्ट रेसिप्रोकल किया, अब आपके सामने टर्म्स हो गए. अब देखिए न्यूमरेटर में दो टर्म्स आपस में माइनस हो रहे हैं, साइन ए माइनस साइन एक्स,
अब करना क्या चाह रहे हैं, यहां तक तो जस्ट कॉसेक को रिप्लेस किया है सॉल्व किया। तो यहां पर हमारा मोटिव यही है, आपको अभी मैं बताता रहा हूं, डिनोमिनेटर जो एब्रेशियो मेथड का फार्मूला यूज कर रहे हैं उसके डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है उसको कैंसिल करना है, इन x माइनस a को हटाना है। यहां कैसे हटाएं वो हमारी मर्जी है, फार्मूला यूज करें या कोई मेथड यूज करें। सो अब सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे लेकिन sin a माइनस sin x जो टर्म हो जाए, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, अल्फा मींस ए एंड बीटा मींस एक्स, सही। तो ये इक्वल है टू कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय टू इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय टू, सही। तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अब इस फार्मूला के ऊपर यहाँ पर लिख रहे हैं, तो फॉर्मूला में अल्फा एंड बीटा है, तो है अल्फा का मतलब ए एंड बीटा का मतलब जो है वो एक्स, ठीक है। फर्स्ट साइन जो उसकी है अल्फा, तो यहाँ पर ए है। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक साइन के लिए बीटा, तो यहाँ पर सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक साइन के लिए बी एक्स है, सही। नेम इसलिए सेंड किया ताकि फॉर्मूला में हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकें, समझ सकें। सो अब इसके हिसाब से एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू है लिमिट एक्स टेंस टू ए, अब फॉर्मूला के हिसाब से टू इनटू कॉस अल्फा प्लस बीटा मींस ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टू इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा मींस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू होल अपॉन में एक्स माइनस ए, सही है? नहीं सही नहीं है, क्योंकि इसके अपॉन में टर्म जो हुआ है साइन एक्स इनटू साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय x माइनस a, ब्रेक इट ओवर। अब सही है, आई बस समझ नहीं आता, तो जस्ट क्या किया, न्यूमरेटर जो sin a माइनस sin x की जगह पे ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक। अब देखते हैं जीगस टू ये लिमिट x टेंड्स टू a cos a plus x डिवाइडेड बाय 2 होल अपॉन में साइन एक्स इंटू साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू होल अपॉन में एक्स माइनस ए, ये टू यहां पर साइन हो रहा है, ठीक है। लिख सकते हैं कॉस के अपॉन में ये टर्म लिखा एंड साइन के अपॉन में एक्स माइनस ए लिख दिया, सही। जस्ट आगे पीछे करके लिखा है, आई पास वन में कोई इशू नहीं होना चाहिए, जस्ट हम मल्टीप्लाई में हमारे पास कैसे लिखे, ठीक। अब ऐसे इस फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो साइन की एंगल है ए माइनस एक्स नेगेटिव, वो सेम एंगल डिनोमिनेटर डिवाइड में सेम वही एंगल वाला टर्म ले आने की कोशिश करूंगा ताकि फॉर्मूला बन जाए। मगर देखिए यहाँ पर ए माइनस एक्स है मगर डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ये, तो ए टर्म चेंज टर्म है सेम है जस्ट साइन चेंज, टर्म जो है सेम है साइन आगे पीछे साइन आगे पीछे कोई इशू नहीं, साइन को हम मैनेज कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ये टू ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टू होल अपॉन में साइन एक्स इनटू साइन ए मल्टीप्लाई बाय यहां पर साइन ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू होल अपॉन, अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सेम एग्जैक्ट की एंगल चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन की जो भी एंगल है वो इसके अपॉन में चाहिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस का प्लस का हो जाएगा, x प्लस का है तो x माइनस का, सही है। साइन नेगेटिव कॉमन लिए तो जिन टर्म से नेगेटिव साइन कॉमन लिए उन टर्म की साइन अल्टर हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए a माइनस x को a माइनस x, अब वहां पर साइन कहेंगे a माइनस x के अपॉन में 2 है, तो इसके अपॉन में 2 चाहिए, वो 2 कहां से आए, देखते हैं वो 2 भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a ये नेगेटिव साइन आगे पाया क्योंकि साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव साइन को हम आगे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये 2 पर मल्टीप्लाई में है, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे इस 2 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं, अपॉन टू ए माइनस एक्स अपॉन टू,
ये जो यहां पर जो मल्टीप्लाई था डिवाइड में भेज दिया, तो जो डिनोमिनेटर नंबर है उसके डिवाइड में चला गया। आगे पास अब देखिए ये डिनोमिनेटर इसका फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई चाहिए करेंगे तो कंप्लीट रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 अपॉन k माइनस x रहेगा, तो मींस 2 वापस वही अपॉन ऊपर आ गया मल्टीप्लाई। सही है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए जो डिनोमिनेटर और साइन के एंगल एग्जैक्टली वही एंगल हमारे पास डिवाइड। अब ये एक फार्मूला बन चुका है, कौन सा कैसे फार्मूला, माइनस लिमिट x टेंड्स टू a cos a plus x डिवाइडेड बाय 2 होल अपॉन में sin x sin a into limit x tends to a sin a minus x divided by 2 whole upon a minus x divided by 2। सही याद तक इस स्टेप में जस्ट लिमिट जो है वो दोनों टर्म्स की अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो सेकंड टर्म ये है, ये एक फार्मूला बन चुका है, कौन सा लिमिट x tends to 0 sin x एंगल है वही एंगल अगर डिवाइड में इक्वल टू 1 के, ये फार्मूला पढ़ा है हमने चैप्टर नंबर 1 में, तो sin की जो एंगल है sin एंगल डिवाइड में सेम वही किया है a minus x 1 2 तो डिवाइड में भी a minus x 1 2 ही है तो इक्वल टू 1। यहां पर लिमिट x tends to 0 पर प्रॉब्लम a minus x tends to a है तो क्या होगा, कोई इशू नहीं है, x की जगह पर अगर a लिखेंगे तो a minus a क्या हो जाएगा 0, 0 divided by 2, 0, आई पास मच मींस x is 0 sin की जगह पे 0 आ रहा है तो वो भी ऊपर भी sin 0 है। सही है, आई पास मच मींस कोई इशू नहीं है तो आइए मजीद साफ करते हैं, समझते हैं। सुझाव वाला लिख रहा हूं नाउ बाय अप्लाई लिमिट x tends to a वी गेट लिमिट अप्लाई करेंगे f dash of a equal to cos x tends to a को x की जगह पे क्या लिखेंगे a, ये नेगेटिव साइन सेम है, a plus x की जगह पे a आ गया डिवाइडेड बाय 2 होल अपॉन में sin a मल्टीप्लाई बाय sin a। सही, जस्ट x इज रिप्लेस्ड बाय x tends to a जो लिमिट है उससे रिप्लेस किया हुआ। सही है, मल्टीप्लाई का ये कंप्लीट फॉर्म क्या हुआ, एग्जैक्टली फार्मूला, तो मींस मल्टीप्लाई का क्या करेंगे 1, तो ये फार्मूला के हिसाब से फैक्टर जो है 1 के इक्वल है, आगे बात सही। अब देखिए क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस साइन cos a plus a, a को a में प्लस करेंगे, सेम वेरिएबल एडिशन हो रही है तो a plus a मींस हो गया 2a डिवाइडेड बाय 2 होल अपॉन में sin a मल्टीप्लाई बाय sin a into 1, दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम दोनों के एंगल से, मगर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, अलग टर्म बनाएंगे, इक्वल टू माइनस 2, 2 में डिवाइड होगा एंगल के टर्म है cos a डिवाइडेड बाय sin a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में sin a, लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन है, cos के अपॉन में सिर्फ एक साइन सेकंड जो साइन है वो उसमें नहीं है, पर कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो लिखने का मतलब क्या है, लिखने का मतलब ये है कि यहां पर लिख रहा हूं cos a डिवाइडेड बाय sin a इक्वल टू है cot a के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, एज एन में ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक cot a के बराबर होता है, एंड सेकंड वन जो है 1 अपॉन sin a तो 1 अपॉन sin cos a के इक्वल है, ऑलरेडी पहले वाला दे चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप में वाला देने की जरूरत नहीं है। सो डैश ऑफ a इक्वल टू माइनस साइन ये टर्म cot a के इनटू ये टर्म है cos a a इक्वल, आई पास समझ में, सही गाइस। ठीक है, तो ये है गिवन फंक्शन cos x उसकी डेरिवेटिव, cos x की डेरिवेटिव। ठीक, अब cos x वेरिएबल में हमारा डेरिवेटिव हमारे पास a वेरिएबल का ही है, आंसर x में रखना चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि जो फार्मूला यूज कर उस फार्मूला में लिमिट x टेंड्स टू हुए तो x को हमने रिप्लेस कर दिया, इस फाइनली a की जगह x को रिप्लेस कर देंगे वापस, कोई इशू नहीं है।
तो वापस रिप्लेस कर देंगे, तो देखिए हेंस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से cosec x की फाइंड करनी थी, किसकी फाइंड करनी थी, cosec x की फाइंड करनी थी, तो ये मुझे माइनस cot x इनटू cosec x एंड सेम यही टर्म्स है, जस्ट क्या किया वेरिएबल को चेंज कर दिया, एक बजाय हमने x लिख दिया क्योंकि ओरिजिनल वेरिएबल x आई मस्ट लिख, ठीक है। तो ये है एप्लीशो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक सॉल्व करने का तरीका, सेम है सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतने पार्ट हम समझते आ रहे हैं, जस्ट आपको स्टेप्स देन रखने हैं, मैंने इसमें फार्मूला यूज कर लिया, तो ये फार्मूला आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली फार्मूला देन रखते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल है, जस्ट फुली कंसंट्रेशन से बैठे बैठने की कोशिश करें, जरूर समझ में आ जाएगा, एंड नोट करें, प्रैक्टिस मैंने प्रैक्टिस जरूर करें, सही गाइस, सो उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आ गया होगा, अगर नहीं भी आया कोई इशू नहीं है, जस्ट फुली कंसंट्रेशन से बैठे वीडियो लेक्चर से आप वीडियोस को अगेन अगेन देखिए, समझ में यहाँ आ जाए, जैसे आपके माइंड में आपको एक चीज तय करनी है, मुझे समझना है बस कैसे हो जाए, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।